चलेंगे बेटा शुरू करते हैं। 1.7 बेटा इसमें लिखा हुआ है गिवन पार्टिकल्स, क्या लिखा हुआ है? गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन मॉलिक्यूल। इस दफा मैथ नहीं दिया, ये थोड़ा चेंज न्यूमेरिकल है। गिवन मॉलिक्यूल्स वो हैं 3.01 × 10³ मॉलिक्यूल्स हो गए। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास, कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैलकुलेट मोल्स एंड मास। जी बेटा कैलकुलेट मोल्स एंड मास। अच्छा मोल्स का पहले आपको जो फार्मूला बताया था, वो फार्मूला किसी को याद है? बताएं हाँ, क्या था मोल्स का फार्मूला? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एवोगैड्रोस। नहीं ये तो आपने नेक्स्ट बता दिया, मैं पिछला बता रहा था मोल्स का फार्मूला। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास था। मोल का एक और फार्मूला भी है कि मोल का न्यू फार्मूला एक इस तरीके से भी है कि इसमें बेटा होता है कि नॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद ये है कि अगर ऊपर एटम लिखने हैं तो नीचे एटम आ जाएगा, ऊपर मॉलिक्यूल है तो नीचे मॉलिक्यूल आ जाएगा, ऊपर आयन है तो नीचे आयन आ जाएगा, मतलब इस तरीके से। इसमें बेटा मोल्स कैलकुलेट करने हो तो सिंपल वैल्यू पुट करें, हाँ जरा जो जो दी हुई है ऊपर आ गया 3.01 × 10³ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 × 10³ और इसकी यूनिट पता क्या होगी? मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल। हाँ जी, बल्कि इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, मोल लिखे ना आगे मोल और उसके ऊपर -1, तो अल्टीमेटली आप इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा 6.23 से कैंसिल हो गया, 3.01 डिवाइडेड बाय 6.02 आ गया 0.5 और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल से भी कैंसिल हो गए तो ये आ गया आपके सामने मोल, तो मोल तो निकल आए। यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं, वो था कि मास जो गिवन हो या नाउन हो, मास ओवर बेटा मोलर मास इज इक्वल टू किसके होता है जी? तो आप क्वेश्चन में उसने बोला है कि आप मास कैलकुलेट करें, मैंने इसकी फार्मूला थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये जस्ट क्या होगा हमारे पास मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, उधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स आगे बेटा 0.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा कितना होगा 44 है। यहाँ पे ना साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और इसका मास 16 और विच इज इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल,
वो लिख रहे हैं बेटा, 4 ग्राम जी, 44 ग्राम पर मोल। बेटा इसमें ऐसे भी कैंसिलेशन हो जाती है, ये मोल जो है ना ये पर मोल से ऐसे कट जी, जस्ट ये जो है ना ये 22 ग्राम इज द मास।